बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भारत की विदेश नीति के कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं। भारत की विदेश नीति को अपन नेहरू नीति के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने किन किन नीतियों का अनुसरण किया, इसके साथ अपन ये मानते हैं कि भारत की विदेश नीति की जो विशेषताएँ हैं वो लगभग 8 विशेषताएँ दी हुई हैं। उन 8 विशेषताओं में सबसे जो महत्वपूर्ण विदेश नीति थी वो समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप, जब संपूर्ण विश्व दो भागों में विभाजित हो चुका था, तो ऐसे में भारत की स्वतंत्रता के बाद ये सबसे बड़ी समस्या थी कि वह या सोवियत संघ के साथ में मिलेगा या अमेरिका के साथ में मिलेगा। लेकिन उन समय की परिस्थितियों को देखते हुए अपन ये कह सकते हैं कि भारत ने जिस नीति का अनुसरण किया वह बहुत विवेकशील मानी जाती है, क्योंकि किसी भी गुट में शामिल होना भारत को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और पीछे धकेल देती है। इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, अर्थात यह माना जाता है कि गुट निरपेक्षता की नीति के तहत भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर दोनों ही गुटों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाए रखना चाहता है, जिसका लाभ भारत को प्राप्त हुआ। विशेष तौर से अपन ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के जो तत्व है उसमें है आपका पहला है गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति के तहत अपन ये मानते हैं कि उन्होंने महत्वपूर्ण 4 चीज़ों पर बल दिया, और 4 चीज़ों का अनुसरण करने के बाद में इस बात का निष्कर्ष निकाला कि भारत को गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया जाना अति आवश्यक, जिसमें वह है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करे, अर्थात वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता, और यदि वह शामिल होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दो गुट और अधिक प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए जरूरी था कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करे। दूसरा महत्वपूर्ण यह था कि इतने लंबे समय की गुलामी के बाद भारत अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार से किसी राष्ट्र के अधीन नहीं रहना चाहता है, अर्थात अपने विचारों की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए उन्होंने गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि यदि भारत किसी भी गुट में शामिल होता है तो निश्चित रूप से उनके विचारों का प्रभाव भारत पर पड़ता हो, और किसी न किसी रूप में उनके आदेशों को या अधीनता को एक प्रकार से स्वीकार किया जाना माना जाने लगा कि किसी न किसी रूप में भारत पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वह अपने विचारों की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करेगा। इसके साथ देखिए कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि आर्थिक तत्व भी भारत की विदेश नीति के निर्धारण में, अर्थात गुट निरपेक्षता की नीति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध हुए, जिसका महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि अधिकांश राष्ट्र या अधिकांशतः व्यापारिक संबंध किसी न किसी रूप में यूरोपीय देशों से, या अपन ये कह सकते हैं ब्रिटेन और अमेरिका से थे। यदि भारत किसी भी रूप में उन देशों से अगर विरोधी होता है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और यदि उन देशों के साथ शामिल होता है तो पड़ोसी राज्य विशेष तौर से जैसे कि चीन है, अन्य राष्ट्र है, वो हमारे विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर साम्यवाद की स्थापना हो चुकी थी। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि विकास के लिए दोनों गुटों से जुड़ना भी आवश्यक था, ताकि भारत दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके और किसी न किसी रूप में अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इसके बाद कि भारत की भौगोलिक स्थिति भी इस बात का निर्धारण करती है कि वह गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करे। जैसे अपन ये मानते हैं कि पड़ोसी राज्य चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ व्यापारिक संबंध अपन ब्रिटेन या अमेरिका से मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में न तो हम यानी कि चीन के साथ में या सोवियत संघ के साथ में मिलना चाहते हैं, और ना ही अपन किसी न किसी रूप में इन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ में मिलना चाहते हैं। अतः यह निर्धारित किया गया था कि गुट निरपेक्षता की नीति को बनाए रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर नहीं होता है तो इन चीज़ों का उद्देश्य या इन चीज़ों की पूर्ति नहीं होती है। वैसे देखा जाता है कि भारत की विदेश नीति जो गुट निरपेक्षता की रही है उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। अपने मानते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति को पूर्ण रूप से अपन नहीं मान सकते, अर्थात
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गुट निरपेक्षता की नीति का तात्पर्य ये नहीं है कि हम दोनों ही गुटों से पृथक हैं, बल्कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि यह एक प्रकार से असंलग्नता की नीति है। असंलग्नता से तात्पर्य है कि सैनिक गुटों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा पैदा किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी रूप में अपन एक राष्ट्र के साथ में कैसे जुड़ सकते हैं, तो उन्होंने इस नीति का अनुसरण किया। इसके बाद देखिए कि जब उसकी विदेश नीति में परिवर्तन आया तो 1947 से और 1950 के मध्य भारत की विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट थी और वह किसी भी राष्ट्र के साथ में शामिल नहीं होकर केवल और केवल गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया था। लेकिन धीरे 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 कुछ उसमें परिवर्तन आया। भारत के हितों की पूर्ति अन्य देशों के साथ हुई और 1950 से 1957 के मध्य भारत की विदेश नीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया और उसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि भारत की नज़दीकियाँ सोवियत संघ के साथ में होने लगी, क्योंकि वह जानता था कि सोवियत संघ आपातकालीन परिस्थितियों के तहत अपन का साथ दे सकता है। तो ऐसे में 1947 से 1950 में जिस नीति का अनुसरण किया गया था, जिसमें स्पष्टतः नीति का गुट निरपेक्षता को अपनाया गया, दूसरी तरफ 1950 से 1957 के मध्य सोवियत संघ के उसका अप्रत्यक्ष रूप से नज़दीकी बढ़ती चली गई। जैसे कि अपन मानते हैं कि इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि 1953 में जब स्टालिन की मृत्यु हो चुकी थी तो ऐसी स्थिति में भारत को ऐसा महसूस किया जाने लगा कि भारत के हितों की पूर्ति सोवियत संघ से हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ में सैनिक संधि 1954 में की तो भारत को इस प्रकार का आभास हुआ कि भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि किसी बड़े राष्ट्र के साथ में संधि या संबंध किसी न किसी प्रकार से रखना अति आवश्यक माना जाता है। इसके बाद देखिए कि 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, विशेष तौर से ये माना जाता है कि उस समय जिस नीति का अनुसरण अपन को किया जाना चाहिए था गुट निरपेक्षता की, उसके कुछ हमको हानिकारक प्रभाव भी पड़े हैं। लेकिन विशेष तौर से अपन मानते हैं कि भारत ने और चीन के मध्य यानी कि जो टकराव की स्थिति पैदा हुई, अपन ये कह सकते हैं कि 1962 में चीन ने भारत पर जब आक्रमण किया तो ऐसी स्थिति में भारत की विदेश नीति की पराजय मानी जाती है। लेकिन भारत इस आक्रमण से बिल्कुल सचेत हो गया और उन्होंने नीति में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। इसके बाद इसी का यह परिणाम है कि जिसके तहत भारत ने अपनी विदेश नीति परिवर्तित की। शीघ्र ही यह माना जाता है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ से हमें बहुत कुछ आर्थिक सहायता या सैनिक सामग्री की प्राप्त हुई। अब ऐसा महसूस किया जाने लगा कि गुट निरपेक्षता की नीति केवल एक सैद्धांतिक नीति है और इसे व्यवहार में अपनाए जाने पर किसी न किसी प्रकार से भारत को नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस वास्तविकता की स्थिति को परिवर्तित किया और इसमें कुछ व्यवहारिकता के गुणों को यानी प्रवेश किया। जैसे देखिए कि 1965 के इस भारत पाक युद्ध के बाद भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ एक 20 वर्षीय संधि, इस संधि के तहत आर्थिक सहयोग, सैनिक सहायता, तकनीकी शिक्षा, अन्य प्रकार की संधियां इसमें शामिल थीं, जिसके तहत भारत की स्थिति मजबूत थी और भारत ने 20 वर्षीय संधि के माध्यम से अपने आप को इस प्रकार से सुरक्षित माना कि वो जहां पाकिस्तान या अन्य राष्ट्र अमेरिका से संबंध अगर अच्छे रखते हैं तो ऐसी स्थिति में भारत को अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी सोवियत संघ या अन्य किसी बड़े राष्ट्र से संबंध बनाए रखना अति आवश्यक है। इसके बाद देखिए लेकिन जब 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ और 1977 में पहली बार मुरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था, उस समय विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को नियुक्त किया गया था। उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में कहा था कि भारत जिस नीति का अनुसरण करना चाहता है उसे उस प्रकार का दिखाई भी देना चाहिए। अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निर्धारित किया कि असली गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, भारत को उसी के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए। इसके बाद 1980 के बाद भारत की विदेश नीति में परिवर्तन आया।
पुनः परिवर्तन आने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि अन्य देश जिस प्रकार से अवसरवादी प्रवृत्ति को अपनाते थे, भारत ने भी अवसरवादी प्रवृत्ति को अपनाना प्रारंभ कर दिया। भारत ये मानता था कि किसी न किसी रूप में यह सैद्धांतिक रूप से उचित हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसे अवसरवादी भी होना चाहिए। इसके बाद सामान्यतः यह माना जाता है कि किसी न किसी रूप में इस गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया था। यह आपकी पहली गुटनिरपेक्षता की नीति या विशेषताओं के रूप में मानी जाती है। दूसरी है आपकी शांति की विदेश नीति। शांति की विदेश नीति से तात्पर्य यह है कि भारत ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ ही नहीं बल्कि दूर दराज के देशों से भी शांतिपूर्ण संबंधों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया। आपसी मनमुटाव या अन्य प्रकार के कोई विवाद उत्पन्न हुए उसका शांतिपूर्ण रूप से यानी निपटारा करने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया। जैसे कि अपने मानते हैं कि 1956 में स्वेज नहर संकट के समय भारत ने आर्थिक सहायता प्रदान की, और उस आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के कारण वहाँ जितनी परिस्थितियाँ पैदा होनी चाहिए थी वो नहीं होकर भारत को इसका लाभ प्राप्त हुआ और भारत ने शांति की विदेश नीति को अपनाया। इसी प्रकार से देखिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य नदी पानी बंटवारे पर भी विवाद उत्पन्न था। इसे समाप्त करने के लिए दोनों देशों के मध्य सिंधु जल संधि 1960 में की गई और दोनों के मध्य पानी के बंटवारे का एक सीमा तक यानी सुलझा लिया गया, जिससे अपने मानते हैं कि दोनों देशों के मध्य कुछ हद तक शांतिपूर्ण संबंध बने रहे। लेकिन इसके बाद देखिए कि भारत और श्रीलंका के मध्य भी कुछ यानी तमिल समस्याओं को या तमिल आतंकवादियों को लेकर कुछ समस्याएँ उत्पन्न हुई। श्रीलंका के तमिल मूल निवासी भारत के ही निवासी थे, लेकिन भारत की स्वतंत्रता से पूर्व इन व्यक्तियों को रबड़ और चाय की खेती करने के लिए श्रीलंका ले जाया गया था, लेकिन इन्हें अपने अधिकार जब प्राप्त नहीं हुए तो इन्होंने एक संगठन का निर्माण कर लिया जिसे वहां की सरकार ने एक तमिल आतंकवादी संगठन का नाम दिया। यह स्थिति इतनी अधिक ज़्यादा प्रभावी हो गई कि दोनों देशों के मध्य शांति व्यवस्था बनाए रखने के कुछ जो कारण थे वो फीके पड़ने लगे। अतः दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ और यहाँ से सैनिक सहायता के माध्यम से उस समस्या को वहाँ पर समाप्त करने की कोशिश की, और इसे मानते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक राजीव जयवर्धन समझौता हुआ जो 1987 में किया गया था। दोनों देशों के मध्य यानी कि श्रीलंका और भारत के मध्य भी शांति की विदेश नीति को बनाए रखने के लिए अच्छे संबंधों की शुरुआत की। इसके बाद देखिए कि बांग्लादेश के साथ भी भारत के कुछ विवाद उत्पन्न हुए और वह भी पानी संबंधी विवाद था। विशेष तौर से दोनों के मध्य 1977 में एक समझौता हुआ जिसे अपन फरक्का समझौता के नाम से जानते हैं। तो दोनों देशों के मध्य इस समझौतों के माध्यम से जो आपसी तनाव था वो यानी कम हुआ और किसी न किसी प्रकार से दोनों के मध्य अच्छे संबंधों की शुरुआत हुई। शांति की विदेश नीति को बनाए रखने के लिए 1968 में एक संधि लाई गई थी या यूरोपीय देश या अन्य देशों को, जिसे अपन कह सकते हैं परमाणु अप्रसार संधि। इसका मूल मकसद यह था कि किसी न किसी रूप में हथियारों में जो होड़ हो रही है उसे कम करना और नए हथियारों के परीक्षणों पर रोक लगाना था। भारत ने शांति की नीति को अपनाते हुए इस पर हस्ताक्षर कर दिए और इस बात से सहमति व्यक्त की कि भारत किसी भी रूप में नए हथियारों को ना तो निर्माण करेगा और ना ही उसका दुरुपयोग करेगा। यह भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है जिसे शांति की विदेश नीति के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो भी विवाद उत्पन्न थे उनको सुलझाने का कार्य किया, लेकिन साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने यथावत प्रयत्न किए। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण आपकी जो नीति है भारत की विदेश नीतियों के तहत ही, वह है आपकी मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व से तात्पर्य यह था कि भारत ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रतावत व्यवहार तो रखा ही, लेकिन उन्होंने ऐसे राष्ट्रों के साथ में भी मित्रता संबंधी व्यवहार रखा जो आर्थिक रूप से या तो संपन्न थे या किसी न किसी रूप में भारत को सहयोग प्रदान कर सकते थे। जैसे कि देखिए नेपाल के साथ संबंध स्थापित किया, इराक के साथ में संबंध स्थापित किया, यानी मैत्रीपूर्ण संधियां की गई थी। इसके बाद देखिए जापान के साथ में और फिर मिस्र के साथ में भी
मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, यानी कि दोनों देशों के मध्य यानी मित्रतावत व्यवहार के लिए संधियां की गई थी। इसके बाद देखिए कि भारत की एक विदेश नीति और है, विरोधी गुटों के मध्य सेतु के रूप में यानी कि मध्यस्थता की भूमिका निभाने की थी। और यह माना जाता है कि यदि दो राष्ट्रों के मध्य यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, चाहे वे पड़ोसी राज्य हो, अगर वो चाहते हैं कि भारत उसकी मध्यस्थता करे तो भारत उसके लिए तैयार है, लेकिन किसी प्रकार के विवाद इस प्रकार के नहीं होने चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की शांति के लिए खतरा पैदा किया जा सके। अतः भारत ने इस नीति का भी अनुसरण किया, जैसे कि कोरिया है, हिंद चीन है, कांगो है, इन्होंने यानी इन देशों में भारत ने मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए दो देशों के मध्य या दो राष्ट्रों के मध्य सेतु के रूप में कार्य किया है, अर्थात एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। इसके बाद देखिए कि साधनों की पवित्रता पर जोर देना। भारत की विदेश नीति की विशेषता मानी जाती है कि वह साध्य और साधन के रूप में ये मानता है, कभी कभी ये माना जाता है कि उचित साध्य प्राप्त करने के लिए साधनों की पवित्रता पर जोर नहीं दिया जाता, लेकिन भारत ने अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए या भारत को एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए साधनों की पवित्रता पर जोर दिया, अर्थात वह किसी भी रूप में हीन भावनात्मक प्रवृत्ति को महत्व नहीं देता था। जैसे कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को किसी न किसी रूप से सहयोग प्रदान, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के आदेशों की पालना करना, इस प्रकार से वो मानता था कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के जितने भी यानी कि विवाद हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा नियम अगर जारी किए जाते हैं तो उनके लिए वह इनमें विश्वास रखता था और वह किसी प्रकार से हिंसा जैसी प्रवृत्ति को महत्व नहीं देता। इसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण जो समझौता अपन मानते हैं जो चीन के साथ में हुआ था, जिसे अपन पंचशील के सिद्धांतों के नाम से, भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा या महत्वपूर्ण जो तत्व था वो पंचशील के सिद्धांतों के रूप में भी देखा जाता है। 1954 में जब भारत और चीन के मध्य समझौता हुआ तो उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए। इन पंचशील के सिद्धांतों में पाँच महत्वपूर्ण यानी बातें थी। पहला था कि प्रत्येक राष्ट्र यानी दोनों ही राष्ट्र अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं और किसी भी प्रकार की अड़चन कोई भी राष्ट्र पैदा नहीं करता। इसके बाद था कि अनाक्रमण, यानी अपन ये मानते हैं कि सीमा संबंधी विवाद हो या किसी प्रकार का कोई विवाद हो तो उस विवादों का निपटारा भारत शांतिपूर्ण तरीके से कहेगा, लेकिन किसी प्रकार के आक्रमण करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और दोनों ही राष्ट्र इसके लिए सहमति व्यक्त करते हैं। इसके बाद है अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप से तात्पर्य यह था कि एक राष्ट्र आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता है और वह स्वतंत्र होता है। भारत और चीन के मध्य जो पंचशील के सिद्धांत हुए उसमें दोनों के मध्य शर्त रखी गई थी कि आपसी घरेलू विवादों को या आंतरिक किसी प्रकार की स्थिति होती है तो कोई भी राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और भारत इस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से सहमत था और दोनों देशों के मध्य पंचशील के सिद्धांतों के तहत यानी कि अहस्तक्षेप की नीति को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया। इसके बाद चौथी थी कि समानता एवं पारस्परिक लाभ। समानता एवं पारस्परिक लाभ से तात्पर्य यह था कि दोनों देशों के मध्य यदि व्यापारिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक अगर समझौते होते हैं तो उसका उद्देश्य दोनों देशों को लाभ पहुंचाना हो सकता है। जैसे कि किसी चीज़ का आयात भी करना हो तो दूसरे देश से उसका यानी अन्य चीज़ का निर्यात भी किया जा सकता है और दोनों देश उसका लाभ उठा सके। इसलिए दोनों के मध्य इस प्रकार की प्रवृत्ति या इस पर सहमति व्यक्त की गई थी कि पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने के साथ साथ में लाभ प्राप्त करना या दोनों को सहयोग प्रदान करना भी एक प्रकार से इस विदेश नीति का तत्व है। इसके बाद देखिए कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति दोनों देशों के मध्य सीमा पर तनाव को कम करने के लिए निर्धारित की गई थी कि सीमा पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा और दोनों देशों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखने के लिए समायोजन के आधार पर, संधि वार्ता के आधार पर, विदेशी राजदूतों के यानी कि आधार पर किसी भी प्रकार से हो, लेकिन उसका निपटारा युद्ध जैसी परिस्थिति से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद देखिए कि सातवां जो महत्वपूर्ण था,
कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद और जातीय विभेद का विरोध किया है। वो ये चाहता था कि देश में और देश से बाहर भी ना तो सांप्रदायिकता पैदा की जानी चाहिए और ना ही किसी प्रकार से साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को महत्व दिया जाना चाहिए, जिसके तहत भी ये माना जाता है कि राज्यों की आंतरिक स्थिति विशेष तौर से जातीय विभेद के कारण हुई है और कहीं कहीं देशों पर जातीय विभेद को बनाए रखने के साथ साथ में यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि किसी न किसी रूप में इस प्रकार की प्रवृत्ति को महत्व दिया जाता है, अर्थात साम्राज्यवाद एवं जातीय विभेद की नीति का विरोध किया गया है। एक अंतिम जो इसकी विशेषता है वो ये मानी जाती है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों का समर्थन करता है, अर्थात भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय वह संस्था माना है जिसके माध्यम से यदि राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा नहीं होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से इसका निपटारा किया जा सकता है। अर्थात ये माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत ने सहयोग भी प्रदान किया गया है, कुछ अंश राशि भी प्रदान की गई है और इसके साथ साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए शांति सेनाओं की व्यवस्था भी की गई है कि चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ जब चाहे भारत से सैनिक सहायता प्राप्त कर सकता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति की जो विशेषताएं उसमें 8 महत्वपूर्ण जो मैंने आपको तत्व बताए हैं, इसके बाद आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार, किस समय में और किसके शासनकाल में किस प्रकार से संचालित की गई है। तब तक के लिए धन्यवाद।